पसंद है ए सिंगापुर में बा कौन सी फेमस मिठाई है। पसंद है? ए बा फेमस है? आवाज नहीं आ रही सर। हेलो आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही? दुबई भाई सही सर। दुबई भाई सही अरे सर। विपिन मिश्रा अरे म्यूट हो जाओ। विपिन मिश्रा म्यूट हो जाओ। ये कौन डबल सर डबल अभी जो कौन बैच चल डबल रहा है डबल। उसी का हूँ स्टूडेंट। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ 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 हीरालाल है क्या? हाँ हीरालाल है क्या? अच्छा हाँ सर। अच्छा ठीक है म्यूट हो अच्छा जाओ। ठीक है म्यूट हो जाओ। बैक बैक का साउंड आ बैक रहा है आपका। दो मोबाइल चालू कर देते हैं कभी कभी कई लोग तो बैक साउंड आने लग जाता है। आपने दो मोबाइल चालू करके रखा है क्या हीरालाल? हाँ सर वो रूम पार्टनर भी तो है। बस बस यही लफड़ा बस है। बस यही लफड़ा। बंद कर दो बंद कर दो बंद कर आप। दो बंद कर दो बंद। हाँ तो कभी कभी क्या होता है जब आप नजदीक में दो मोबाइल या दो कंप्यूटर लैपटॉप चालू कर देंगे तो बैक साउंड मारता है और डिस्टरबेंस आता है। तो कभी भी ध्यान रखें किसी भी प्रकार की ऑनलाइन मीटिंग में अगर आप जुड़ते हो तो थोड़ा दूरी बनाए, कम से कम 10 फीट से भी ज्यादा दूर बैठना पड़ेगा आपको, तो ही आपका काम चलेगा, नहीं तो सिर्फ म्यूट करके सुनते रहिएगा। जयराम 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 जी नहीं है शायद। चलो नेक्स्ट है जय प्रकाश कुमार। जय प्रकाश कुमार जी नहीं है। हाँ सर हाँ हाँ सर बोलिए हेलो सर। सर जयराम सर। अच्छा नमस्ते सर। जयराम बोल रहा हूँ सर। हाँ जयराम 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 का टर्न है अभी। सर जय प्रकाश जी आप म्यूट हो जाइए। जयराम जी आप ये सर बताइए। सर हाँ जी ये जो एयर ड्रायर होता है ना उस वो क्या काम करता है एयर ड्रायर लोकोमोटिव में? सर मॉइस्चर को ड्रेन करता है सर। मॉइस्चर को जो भी एमआर का MR1 से MR2 के बीच में जो एयर ड्रायर लगा हुआ है मॉइस्चर को ड्राई करके ड्राई एयर भेजता है सर। पहली बात तो वो MR12 के बीच में नहीं है जयराम। हाँ 2 और 3। हाँ 2 और 3 के बीच में सर। सॉरी। हाँ जी 2 और 3 के बीच में है और वो जो हवा को सूखा देता है यानी कि मॉइस्चर को सोख लेता है। हाँ सर। कैसे सोखता है? उसके अंदर हीटर है क्या? हाँ सर हीटर है। है तो हीटर को सप्लाई कहां हीटर से नहीं है करती है? सर। हीटर सर वो पर्जिंग प्रोसेस कुछ होता है सर। उतना डिटेल नहीं मालूम है। हाँ पर्जिंग करके प्रोसेस कुछ है। हाँ डिटेल मालूम करने के लिए तो आपको प्रश्न पूछा है। ठीक है कोई बात नहीं म्यूट हो जाइए। कैलाश मीणा बताएंगे। कैलाश मीणा जी सर उसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर हाँ जी जो हवा को क्लीन करते हैं, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है उसकी तली में और हवा प्योर होके दूसरी तरफ निकली जाती है। फिर वो अशुद्धियां कहाँ जाती है? नीचे सर वो पर्जवाल के थ्रू बाहर निकलती रहती है ऑटोमेटिक। बिल्कुल कैलाश मीणा तुम क्या शेड में से आए हुए हो क्या? नहीं सर आप ही के यहां से ज्ञान लिया हुआ है। नहीं, आपने एकदम बड़ा बारीकी से अंदर की बात बता दी, इसके लिए मेरे को डाउट हुआ। तो बिल्कुल ये कैलाश ने जो बताया वो सही बताया एकदम। एयर ड्रायर के अंदर एक प्रकार का केमिकल होता है जो मॉइस्चर को सोखता है और मॉइस्चर उस एयर ड्रायर के अंदर दो टावर होते हैं उसमें इकट्ठा होता रहता है और मैग्नेट वाल के द्वारा वो ड्रेन भी होता रहता है। मॉइस्चर इकट्ठा नहीं रहता उसमें, वापस ड्रेन भी होता रहता है। तो हाँ आप सर एयर नीचे ड्रायर से की और प्रज्वाल बोलते हैं उसको, प्रज्वाल से निकलता रहता हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो जब वो अगर लगातार लीकेज करने लग जाता है तो हम उसको आइसोलेट करते हैं कॉक के द्वारा। तो एयर ड्रायर का काम है हवा को सुखाना, केमिकल के द्वारा सुखाता, उसके अंदर कोई हीटर फीटर नहीं होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वेरी गुड बहुत अच्छा कैलाश। नेक्स्ट प्रश्न जय कुमार रह गए थे। जय प्रकाश कुमार रहता है। हाँ सर हरिओम सर। हरिओम हरिओम। डीसी-डीसी कन्वर्टर जो कन्वेंशनल लोको में लगा हुआ है वो क्या काम करता है? सर वो डीसी टू हेडलाइट के लिए है सर। वो जैसे स्टैंड मोबाइल में अगर हेडलाइट नहीं जलता है हाँ तो उसको चेंज करके और किया जाता है उसको सर। हाँ हाँ यानी कि उसके अंदर दो सप्लाई रहती है, अगर एक सप्लाई काम नहीं करती है जी दूसरी सप्लाई से भी हेडलाइट को प्रकाशित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया वेरी गुड सर वेरी गुड। पंचाल साहब मानक पंचाल। मानक पंचाल हरिओम सर। हरिओम। मानक पंचाल खाना खाया आपने? यस सर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ये बताइए कि BL को अनलॉक करने पर कोई भी पायलट लैंप प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तो गाड़ी को कैसे चलाएंगे? कोई भी पायलट लैंप प्रकाशित नहीं हो रहे हैं नहीं
तो सर फ्यूज मेल्ट, फ्यूज चेक करेंगे ना? हाँ मतलब सब कर लिया लेकिन फिर भी प्रकाशित नहीं होते, ट्रबल शूटिंग हमने कर ली है, सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। यूए मीटर को देखते हुए और ऑग्जिलरियों का आवाज से को हाँ चेक करते हुए, भाई और ऑग्जिलरियां सब चल रही है और मीटरों पे ध्यान रखते हुए चलाएंगे सर। हाँ यानी कि उसको यूं बोलो कि बिना पायलट लैंप के हाँ गाड़ी चलाएंगे, चला ठीक है ना, चला सकते हैं ना? सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगीलाल चित्तौड़ वाले, हरिओम कौन सर? मांगीलाल चित्तौड़ में दो स्तंभ बने हुए हैं, वो कौन कौन से स्तंभ है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, तो दोनों किसने बनवाए? महाराणा कुंभा ने। हाँ, और चित्तौड़ के किले पर एक फल बहुत मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा फल है? वो रहता है क्या नाम, सीताफल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड नॉलेज यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज रोड़िया, मनोज हाँ सर जी, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनोज आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनोज हाँ सर कोटा है। अच्छा, वो मनोज बहरवा है क्या? हेलो, अच्छा, वो मनोज बहरवा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, आपने भी दो मोबाइल साथ पास पास में चल रहे हैं आपके, दो मोबाइल मत रखो यार, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। हाँ मार्कंडे यादव जी, यस सर, हरिओम। हरिओम मार्कंडे यादव जी, हरिओम। बीपीएमपीआर का प्रयोग कब करते हैं मार्कंडे? बीपीएमपीआर का प्रयोग जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में कोई समस्या आती है तो हमको हाँ उसे रिसेट करने के लिए उसको उसका उपयोग करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई सिस्टम आइसोलेट कर देता है वो, तो उसको रिसेट करने, कैसे रिसेट करेंगे, उसके द्वारा कुछ आइडिया है? हाँ जी सर, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर की मेन यूनिट होती है हाँ उसके ऊपर कवर के अंदर वो रहता है हमारा बीपीएमपीआर का बटन, हाँ उसे हम 5 सेकंड तक दबाकर उससे रिसेट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास कुछ कमेंट है, वो कमेंट लेता हूं मैं। नवीन कुमार आपके लिए कमेंट है। बोला यार, हाँ नमस्कार सर। एक साहब पूछ रहे नवीन, क्या हाँ चार्ज सर, लेते समय आरएस वाल को चेक कर सकते हैं? नवीन बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरएस को थोड़ा सा खोल के वापस बंद कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, तुरंत लेकिन प्रेशर सर वापस। एक दिन सर यह बता रहे सर, कन्वेंशनल लोगों का सर हमने चार्ज लिया था ना सर, तो आरएस जो बता रहे सर कि आरएस खींच करके देखा प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा था, हाँ तो उसमें सर ड्राइवर साहब कह रहे हैं ना हमारे कि ये जो आपने आरएस चेक किया है वो सही नहीं है, अच्छा, कैसे करने का फिर? तो फिर हमने बोला ना कि इसका क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आरएस खींच मतलब उसको खींच रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, आपके तरफ दिख भी रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो बोले ना कि नहीं ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा और सही करिए। अच्छा मतलब और ज्यादा खोलो यूं? तो हम बोले ना कि तो इसमें होना क्या चाहिए, आप बता दीजिए सर, मुझे नहीं पता है, साहब हमने हाँ बता दिया कि आप बताइए अब मुझे, क्योंकि ज्यादा लेट करने से फायदा तो है नहीं कुछ। हाँ तो उन्होंने बताया कि एक थ्रोटल से सर एक नॉच लिया उन्होंने, अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आरएस खींचा तो सर 2.5 kg के नीचे प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो सर उसमें ऑटो फ्लेशर लाइट जली और ऑटो रिग्रेशन भी हुआ, प्रेशर भी ड्रॉप हुआ, यानी तीनों काम हो तब कहेंगे अब सही हुआ ही। ठीक है, वो बात उनकी ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने आरएस मान लीजिए खींचा, किसी ने मान लीजिए कोई रिलेवेज कर दिया है, आपने उसको मान लीजिए ध्यान से हटा दिया, तो ऑटो रिग्रेशन नहीं आ रहा है, तो फिर व्हील स्किडिंग का शिकायत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही, ये भी बात अच्छी बताई है, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे तो अपन को सही मालूम पड़ जाएगा वो सभी आरएस को खोलने पर जो काम होने चाहिए वो हुए कि नहीं हुए, ये भी अपने को सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ तो सर इस समय NER में बनारस डिवीजन में क्या है ना सर कि चार्ज लेते समय अगर आरएस आप नहीं चेक कर रहे हैं, अगर हाँ CLI उसमें चढ़े हुए हैं, हाँ तो सर वो फीडबैक में आपका लिख देंगे कि इन्होंने आरएस चेक नहीं किया है। अच्छा, ये हाँ रूटीन में आ गया आरएस चेक करना। हाँ सर, हाँ हमारे NER में ऐसा ही है, हमारे यहाँ वीक जोन में वो लिख देंगे ना कि जैसे इन्होंने चार्ज लिया इस गाड़ी का, तो
इन्होंने आरएस को चेक नहीं किया। ओ अच्छा 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 अब हम लोग के यहाँ जो है ना सर निष्पादन पुस्तिका जो मिलती है ना सर उसमें भी लिख देते हैं। ओके ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया, इसलिए चेक करना हमारे यहाँ जरूरी हो गई है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन संतू चौधरी के लिए। संतू हरिओम सर। हरिओम, देखो एक क्वेश्चन है सर, अगर HVMT 0 पर हो और HVSI 1 पर हो तो TM पर करंट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। है? नहीं जाएगा सर। हाँ देखो इसमें ऐसा है, अगर WG5 या WG7 लोग को है तो नहीं जाएगा, वो ब्लॉक आइसोलेट जैसा ही कंडीशन हो जाएगा, लाइन कॉन्टेक्टर ओपन रहेंगे, ठीक है। और लेकिन वो अगर WAP4 लोग को है यात्री गाड़ी का, तो वहां पे HVMT का इंटरलॉक नहीं दिया है लाइन कॉन्टेक्टर सर्किट पर, तो वहां पे जाएगा। HVSI 1 पे ही है तो लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे, मोटरें भी चलेगी, इसलिए P4 लोको में MVMT 1 या 2 को अगर आइसोलेट करते हैं तो 450 एम्पियर से हम डेस्टिनेशन पे गाड़ी ले जाते हैं, तो P4 में करंट जाएगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम नरूला। यस सर। हरिओम सर। हरिओम सत्यम, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर गया सर ECR मुगलसराय। दीनदयाल उपाध्याय। हाँ तब आपको कोई पूछे तो ये नाम बताइएगा। आदत बना सर मुगलसराय, मुगलसराय चेंज हो गया ना नाम इसके लिए, ठीक है। आप ये बताइए, हाँ आप नरूला साहब आप ये बताइएगा, एक भाई साहब पूछे कैन वी यूज शंटिंग नॉच व्हेन टीएम इज आइसोलेट, यानी कि कोई ट्रैक्शन मोटर अगर आइसोलेट की हुई है तो क्या एमपीएस के द्वारा शंटिंग कर सकते हैं? नहीं, उसका यूज उस समय उसका साथी ही है सर की क्या बोलते हैं शर्त ही है कि किसी तरह का कोई मोटर आइसोलेट नहीं होना चाहिए शंटिंग नॉच करते समय, शंटिंग नॉच यूज करते समय। ऐसा है क्या? आरबी सिंह आप बताइए, मुझे तो सत्यम नरूला की बात गलत लग रही है। आरबी सिंह सर हम तो बबलू सर नमस्कार। बबलू बबलू बताइए सर, ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होने के बावजूद भी हम शंटिंग नोच लिए हैं? अरे ले सकते हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ले सकते हैं सर। आरबी नहीं ले सकते, आरबी नहीं कर सकते। हाँ आरबी तो नहीं करना है, ठीक है। तो सत्यम नरूला साहब शंटिंग नॉच हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रियोस्टेटिक ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि रियोस्टेटिक ब्रेक के समय सभी मोटरें सीरीज में जुड़ती है, और कोई टीएम अगर आपने आइसोलेट की है तो किसी खराबी के कारण आइसोलेट की है, इसलिए उसको वापस हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते, इसलिए रियोस्टेटिक ब्रेक नहीं लगाना है, हम शंटिंग नॉच ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। WAP7 लोको में हाँ ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है, कोई भी ट्रैक्शन मोटर, तो हम RG का उपयोग करेंगे ना? हाँ थ्री फेज लोको में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, उसका टेक्नोलॉजी एकदम अलग है। जी जी। मुस्तकीम, मुस्तकीम मुस्तकीम नहीं है, श्रीमन श्रीमन सर बोलिए। हाँ आप ये बताइए Q108 कब इनर्जाइज होती है श्रीमन? तुरंत हो जाएगी सर, ये बैटरी चालू करते ही BLKM लॉक करते ही। बिल्कुल बिल्कुल, बैटरी ऑन करते ही Q118 इनर्जाइज होती है। मुस्तकीम आ गए, मुस्तकीम। जी सर। मुस्तकीम बैटरी का वोल्टेज कौन से स्विच को प्रेस करके चेक किया जाता है? जुबा वेरी गुड बहुत बढ़िया। और मुस्तकीम जहाँ पे अपन फ्यूज को टेस्ट करते हैं उस चीज का क्या नाम है? ECC LECC। हाँ LECC लैंप का नाम है और ECC उस फ्यूज टेस्टर का नाम है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। म्यूट हो जाइए। विपिन मिश्रा जी,
जी सर। थ्री फेज लोको का नाम सुने हो? हाँ सर बिल्कुल सुना है सर। थ्री फेज लोको को थ्री फेज लोको क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि उसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। उमेश पांडे जी, उमेश, उमेश पांडे। हाँ जी सर, नमस्कार सर, हरिओम। नमस्कार, हरिओम। सीटीएफ क्या काम करता है उमेश? सर ये सीटीएफ जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं तो ये चेंज ओवर स्विच होते हैं सर, सीटीएफ 1 2 3। तो जो अपने ब्रेकिंग में जाते हैं ना सर, मतलब ये ट्रैक्शन में ऊपर होते हैं सर और ब्रेकिंग में नीचे रहते हैं सर। अरे इसका काम क्या है? ये रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में काम आते हैं सर। नहीं नहीं, और ट्रैक्शन में भी काम होते हैं। नहीं समझ रहा सर। हेलो सर, ये क्या है, ट्रैक्शन मोटर जो होती है ना सर, वो मतलब चेंज ओवर स्विच होते हैं सर ये। मतलब ट्रैक्शन और ब्रेकिंग दोनों में काम आते हैं। ब्रेकिंग के टाइम पे ये मतलब चेंज ओवर स्विच होते हैं ट्रैक्शन और ब्रेकिंग के लिए। वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र। हरिओम सर। हरिओम, क्या काम करते हैं सीटीएफ? ये चेंज ओवर स्विच है, ट्रैक्शन मोटर को करंट देने में काम आते हैं। ये भी नहीं बता पाया। संटू चौधरी तुम बताओ, देखें सीटीएफ क्या काम करते हैं? संटू, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग में सेट करता है सर। अरे भाई, लोको के सर्किट को या तो ट्रैक्शन के लिए या ब्रेकिंग के लिए सेट करता है, ठीक है? वही तो बोले सर। हाँ आप वही बोले, लेकिन हमारे दो साथी ऐसा नहीं बोल पाए ना, बता रहे हैं, वो जानते सब हैं, सर्किट भी जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। प्रशांत भारद्वाज के लिए। प्रशांत, प्रशांत कहाँ गया यार? हाँ सर। हरिओम प्रशांत। हरिओम सर, हरिओम। लोको में लगे हुए ET1 और ET2 क्या काम करते हैं? वो होते हैं सर सर्ज अरेस्टर। हाँ जी बिल्कुल, क्या काम करते हैं? वो जिसे ऊपर से बिजली गिरती है ना, तो उसको ऑन कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कई लोगों ने हाथ खड़े किए, लेकिन आज मैं आपको हाथ क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया मेरे पास, 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा भी हो गए। तो कल और भी जिसके भी क्वेश्चन हो लिख के रखिएगा, और उसके बाद में हम सबके एक एक के क्वेश्चन सुनेंगे और जवाब देंगे। इस प्रकार मीटिंग में जुड़ते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हरिओम नारायण। हरिओम साहब, धन्यवाद। हरिओम।